हेलो वर्सेस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि हमारे स्काईलॉर्ड भाई का चैनल हैक हो चुका है, और इसके बाद हमारे स्काईलॉर्ड भाई के भाई अभिषेक मिश्रा ने एक वीडियो बनाया था जो कि आप देख लें। कल रात 12 बजे हमारा चैनल हैक हो गया और हैकर को एक्सेस कैसे मिला मुझे उसकी कुछ जानकारी नहीं है। इतनी अभी तक कुछ यूट्यूबर्स की हेल्प से हमें रीट्वीट का पता चला है, तो हमने उसी को करा। और तुम सबसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को वापस लाने में प्लीज मेरी तुम लोग मदद करो, रीट्वीट करो जितना भी ज्यादा हो सके, #SaveSkylord लगाओ, @TeamYouTube @TeamIndia को टैग करो, शायद कुछ मदद हो सके। मैं जब से आया, मैंने जब से तुम लोगों से कोई सी भी हेल्प नहीं मांगी, तुम सबने अपना प्यार दिया मुझे, पर आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज तुम लोग मेरी मदद करो सभी। जिस हैकर ने चैनल हैक किया था उसके पास पीसी का पूरा एक्सेस था, वो हमारे दूसरे चैनल स्काई लाइव को भी हैक करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता हम क्या करें, अभी के लिए मैंने आईडी पास चेंज करके सिक्योर तो कर दिया है, और मुझे इस टाइम पर तुम लोगों की बहुत ज्यादा नीड है, प्लीज सपोर्ट करो। और स्काई लॉर्ड चैनल हैक हो गया है तो उसमें आने वाले कोई भी वीडियो या कोई भी लिंक पर क्लिक मत करना, इससे तुम्हारे डिवाइस को भी हार्म हो सकता है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करा के भाई की कुछ उम्मीदों को बचा लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और इसी टॉपिक पे हमारे टेक प्रो हर्ष भाई ने कुछ कहा जो कि आप कुछ सुन ले। कर देना। मैं इस चीज पे वीडियो नहीं बनाने वाला था क्योंकि यूट्यूब टीम ने रात में ही रिप्लाई दे दिया था, तो मेरे को लगा कि अभी चैनल सेफ होगा या फिर यूट्यूब टीम से बात चल रही होगी। बट अभी अभी पता चला कि यूट्यूब टीम कोई भी बात नहीं सुन रही है, और यहाँ तक कि यूट्यूब से स्काईलॉर्ड का चैनल भी डिलीट कर दिया गया, और अभी सर्च करने पे उनका चैनल भी नहीं आ रहा। बाकी सब कुछ तुम लोग के हाथ में, तुम लोग हेल्प करो, क्योंकि वो बंदा तो इस दुनिया से चला गया है लेकिन उसकी मेमोरीज, उसका चैनल तो नहीं जाना चाहिए ना यार। जैसा कि मैंने तुमको अपनी वीडियोस में भी बताया था कि अभिषेक मिश्रा भी अभी इस यूट्यूब की दुनिया में नया है, उसे यूट्यूब के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, हेल्प करने वाला, उसको चीजें बताने वाला कोई ढंग का उसके साथ में अभी नहीं है। शायद यही रीजन है कि कई सालों बाद स्काईलॉर्ड का चैनल हैक हुआ है, और मेरे को तो नहीं लगता कि इससे पहले कभी स्काईलॉर्ड का चैनल हैक हुआ। तो यही कुछ रीजन है, और बाकी मैं तुम तो दोस्तों आई होप कि आपको इनकी बातें समझ में आ गई होगी, और प्लीज जाके भाई को रीट्वीट कर देना यार। तो बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ से, जो कि निकल कर आ रहा है हमारे टेक प्रो हर्ष की तरफ से। और इन्होंने अपने सेकंड चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें इन्होंने कहा था कि एमजी अल्फा के चैनल पे 3 स्ट्राइक मार दी गई है और उनका चैनल बहुत ही जल्दी यूट्यूब से डिलीट होने वाला है। मतलब एमजी अल्फा के चैनल पे टोटल 3 स्ट्राइक्स दे दी गई है, जिसके पीछे काफी सारे रीजन है, और क्या क्या रीजन है मैं तुम लोग को मेन चैनल पे बताऊंगा अभी वीडियो बना करके, क्योंकि इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे मैंने भी 10 बार कम से कम सोचा हो। बाकी जो कुछ भी अपडेट्स हैं कि स्ट्राइक क्यों मारी, किसने मारी, कब मारी और कहां मारी, तो मैं तुम लोग को मेन चैनल। तो दोस्तों हमारे एक छोटे से यूट्यूबर भाई है जिसका नाम है FFFamily07, और इन्होंने रिसेंटली फ्री फायर अनबैन के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें ये नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड करके खेल रहे थे। मिल जाएगा, बट गाइस आप लोग टेंशन में हो गए, आप लोग फ्री फायर गेम को डाउनलोड करना चाहते हो, ये रहा मेरा फ्री फायर गेम जिसको ऑलरेडी मैंने अपने फोन में स्मार्टफोन के अंदर डाउनलोड करके रख रखा है। तो आप लोग कैसे अपने एंड्रॉइड के अंदर अपने नॉर्मल फ्री फायर गेम को डाउनलोड करेंगे, तो उस वीडियो का लिंक मैंने। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज अभी क्लियर कर दूं कि अभी जो हमारा नॉर्मल फ्री फायर है ना भाई, वो इंडिया में बैन है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई कि प्लीज अभी फ्री फायर को ना ही खेलें, क्योंकि ये बैन एप्लीकेशन को खेलने से आपके मोबाइल फोन में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि आपके हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस और मिलती रहेंगी।